मैंने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। मेरे बाल वगैरह, पूरे आईब्रो के भी बाल वगैरह सब गिर गए थे, तो बहुत बार लोग मजाक भी लेते थे। मैं यही बोलूंगी, कैंसर एक बहुत छोटा वर्ड है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। लाइक हम उस चीज़ को अगर उतना बड़ा सोचेंगे तो वो हमें बड़ा लगेगा, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा सोचना ही नहीं है कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। जब मैंने कैंसर से रिकवर किया, उसके बाद मैंने अपना स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया था। मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, मेरे को 3 साल का कीमोथेरेपी का मेरा ट्रीटमेंट, और कीमोथेरेपी के टाइम पे मेरे बाल वगैरह, पूरे आईब्रो के भी बाल वगैरह सब गिर गए थे, तो बहुत बार लोग मजाक भी लेते थे। बट उस टाइम पे मेरी फैमिली ने और मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे मोटिवेट भी करते थे, सपोर्ट भी करते थे कि नहीं तू एक दिन ठीक हो जाएगी। तो उसके बाद मुझे, जब मैंने कैंसर से रिकवर किया, उसके बाद मैंने अपना स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट किया था। और जो मेरा स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जर्नी है, मैंने उसमें अभी रिसेंटली मैंने एशियन गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट एशियन गेम्स में इंडिया के लिए मेडल जीत के लाऊं। और मैंने नेशनल लेवल्स पे टोटल 30 मेडल्स जीते हैं आज तक, लास्ट 10 ईयर्स की जर्नी में, और मैंने अभी तक 30 मेडल्स जीते हैं। और मेरा आगे का टारगेट है कि मैं आगे भी आप स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग में ऐसे ही करते रहूँ। और मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, और मेरा जो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का जर्नी यही था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और लाइक मैं पुणे में फर्स्ट टाइम आई हूँ, और अगर किसी को पुणे में क्लाइंबिंग करना हो तो यहाँ पे शिवाजी नगर में क्लाइंबिंग का वॉल है, वहाँ पे जाके भी आप स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग का ट्रेनिंग कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वॉल है। तो एक स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग ओलंपिक स्पोर्ट है, काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है, आप लोग करोगे तो आपका ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं यही बोलूँगी, कैंसर एक बहुत छोटा वर्ड है, कैंसर इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। लाइक हम उस चीज़ को अगर उतना बड़ा सोचेंगे तो वो हमें बड़ा लगेगा, इसलिए हमें ज़्यादा बड़ा सोचना ही नहीं है कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है। मैं यही बोलूँगी कि कैंसर एक छोटी सी बीमारी है, आप टेंशन मत लो। किसी को भी अगर कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, उनको पता लग रहा है कि उनको कैंसर की प्रॉब्लम है, उनको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता जिसका सलूशन नहीं होता। और अगर हमें पता लगता ही हम लोग गिव अप कर लेंगे तो हम लोग ठीक कैसे होंगे, हमें गिव अप नहीं करना है। जैसे उम्मीद की किरण रन है, जैसे उम्मीद से ही इंसान जीता, उम्मीद करेंगे तो हम एक दिन कैंसर फ्री हो जाएंगे। मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर वही बात है कि अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो तुम्हें डीमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप मोटिवेट नहीं करो तो डीमोटिवेट भी मत करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैमिली का सपोर्ट रहता है, क्योंकि जो हमारे मम्मी पापा रहते हैं, क्योंकि शुरुआत तो अपने घर से ही होती है। तो अगर किसी की फैमिली में किसी को पता लग रहा है कैंसर है, तो उनको मोटिवेट करो कि नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, ठीक हो जाएगी। क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, जब मुझे कैंसर का प्रॉब्लम था, तो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बोलते हैं इतनी छोटी सी बीमारी से तू आज ही बेड पर लेट गई है, मैंने अपने देश के लिए इतना कुछ किया। क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे बेसिकली वो इंडियन आर्मी में थे, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ा हुआ है, तो इसीलिए वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे। और मेरी सोसाइटी में भी सब लोग मुझे मोटिवेट करते थे, और ख़ास करके जब मैं हॉस्पिटल में बीमार थी तो मुझे डॉक्टर्स काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे वहाँ पे कि नहीं तो ठीक हो जाएगी। मैं कुछ खाती नहीं थी, क्योंकि कुछ भी खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था, तो डॉक्टर बोलते तो कुछ भी खा, पर खा। डॉक्टर्स स्पेशली जो वहाँ पे स्टाफ नर्सेस थी, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ अपने घर से डेली लेके आते थे, तो मुझे उनका सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मैंने अपना ट्रीटमेंट चंडीगढ़ PIG से करवाया हुआ, और जब मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर का प्रॉब्लम है, तो लाइक मैं अपने मम्मी पापा को देखती थी, वो लोग बहुत टेंशन में दिखते थे मुझे, बट मुझे फिर भी ये था कि नहीं, मतलब कैंसर ही है, कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। जिस दिन मेरा ऑपरेट था कैंसर का, तो उस दिन मैंने क्या किया कि लाइक डॉक्टर्स आए, बोलते हम आपको लेके चलते हैं बेड पे रख के, तो मैंने बोला नहीं, मुझे चल के जाना, मुझे अंदर देखना है कि ऑपरेट कैसे होता है। तो मैं छोटी भी थी, तो मेरा बचपन था, मैं 10-11 साल की मेरी तब एज थी, तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे देखना है अंदर ऑपरेट कैसे करते हैं। तो मैं अंदर गई, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इसको आप जल्दी से बेहोश करते हैं फिर ऑपरेट करते हैं। कीमोथेरेपी आई थिंक सो, मेरे को अच्छे से तो याद नहीं है, बट आई थिंक सो 2 साल तो मेरा कीमोथेरेपी चला था, और 2 साल कीमोथेरेपी के बाद फिर मेरे पूरे बाल वगैरह सब गिर गया था। और फाइनली लास्ट में आई थिंक 2011-2012 एंडिंग में मेरा ऑपरेट हुआ था, तो तब मैं कैंसर फ्री हुई थी। उसके बाद भी हम लोग चेकअप बीच बीच में करवाते रहते, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोलता कि कभी भी वापस भी डिटेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए अब मंथली या फिर पहले मंथली चेकअप करवाती, फिर 6 मंथ्स के बाद अभी मैं बीच बीच में चेकअप करवाती रहती हूँ। मुझे आई थिंक सो फर्स्ट स्टेज में कैंसर था, और जब मुझे फर्स्ट टाइम कैंसर का पता लगा था, मुझे नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे साल में सिर्फ एक ही बार पेट दर्द होता था, वो भी डेट भी फिक्स थी, मुझे हर साल सिर्फ न्यू ईयर वाले दिन पेट दर्द होता था। 2 सालों से कंटिन्यूस हो रहा था, तो फिर नेक्स्ट ईयर फैमिली ने बोला कि इसको हर साल पेट दर्द हो रहा है, एक बार चेक करवाते हैं। तो जब हमने चेक करवाया, मुझे नॉर्मल कब्जे भी रहती थी, तो उसके बाद मेरा ठीक हुआ।
मैं उनको यही बोलूंगी कि आप लोगों को भी कभी गिव अप नहीं करना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और एक दिन आप भी कुछ अपने देश के लिए कुछ ऐसा करोगे कि सब लोग बोलेंगे कि नहीं, जो भी कैंसर सर्वाइवर्स हैं, जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, वो रिकवर होने के बाद कुछ इतना अच्छा करते हैं, तो आप लोग भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे, मैं यही बोलूँगी। थैंक यू सो मच।